नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि हमें अगर अपने ड्रुपल की वेबसाइट में जो भी कंटेंट हमने ऐड किया है, अगर उसको हमने एक्सपोर्ट करना है, कि हमें इसको एक्सपोर्ट करके अपने डेटा को अपने सेव करना है एक तरीके से, इन फ्यूचर के भी आपको यूज़ पड़े, तो उसको आप कैसे अलग अलग फाइल्स में, यानी कि CSV में, आप एक्सेल फाइल में, कैसे भी जितने भी फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल हैं उनमें कैसे आपको सेव करें, तो वो आप कैसे अपने कंटेंट को CSV में एक्सपोर्ट करेंगे वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक मॉड्यूल है व्यू डेटा एक्सपोर्ट, ठीक है, व्यूज़ डेटा एक्सपोर्ट। तो इसके थ्रू आप यहाँ पर CSV में भी अपना डेटा निकाल सकते हैं, एक्सेलस में निकाल सकते हैं, जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, इन सब में आप डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर हैं, आप पढ़ लीजिए। और हमेशा की तरह ये मॉड्यूल, जो भी आप वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं ड्रुपल 7, तो ये हमारा रिकमेंडेड वर्ज़न है, तो इसको आप डाउनलोड करके अपने लोकल मशीन में इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे मॉड्यूल में, देखेंगे इसको। तो एक व्यू की फंक्शनलिटी है, तो हम व्यू में जाएंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है डेटा एक्सपोर्ट, व्यू डेटा एक्सपोर्ट, ठीक है। दो मॉड्यूल इसके लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे व्यू में और एक ऐड करेंगे व्यू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेंगे, एक्सपोर्ट एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रिएट करते हैं और यहाँ पर कंटेंट टाइप हम लोग लेते हैं आर्टिकल, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर एक बनाते हैं पेज, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं फील्ड और कंटिन्यू, ठीक है। और तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग करते हैं अब उसको टेबल स्ट्रक्चर, ताकि हमारा कंटेंट इजीली दिखे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आ गया टाइटल, टाइटल आ गया आर्टिकल का। अब हम लेते हैं कुछ फील्ड्स, जो भी हमें अपने CSV में स्टोर करना है वो आप फील्ड यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो टाइटल हो गया, बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, बॉडी। और बॉडी में हम यहाँ पर स्ट्रिप और यहाँ पर लगा देंगे, इसको नहीं यूज़ करेंगे, ट्रिम कर देंगे केवल यहाँ पर, ठीक है। ट्रिम आप डायरेक्ट यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, नीचे यूज़ करने की ज़रूरत अगर नहीं है आपको, तो यहाँ नहीं यूज़ करते हैं हम, सीधा यहीं यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेटर में ट्रिम कर देते हैं और यहाँ पर ट्रिम करेंगे हम 200, ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं इसमें पोस्ट डेट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रखते हैं, पोस्ट डेट हो गया। उसके बाद हम लेते हैं पाथ, पाथ से पहले हम लोग लेते हैं NID, जो कि आप अगर आप स्टोर कर रहे हो अपना डेटाबेस, एक तरीके का ये डेटाबेस ही स्टोर करना होगा दोस्तों CSV फॉर्मेट में, तो बाद में आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने फीड इम्पोर्ट के थ्रू हमने इम्पोर्ट किया था। तो हम लोग NID ले लेते हैं और बाकी डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर लेते हैं पाथ, कि हमारा पता चले कि पाथ कौन सा है, ठीक है। इसको भी डिफ़ॉल्ट रखते हैं, सेव। अब देखिए नीचे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आया, ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं सेव। अब जो डेटा एक्सपोर्ट की फंक्शनलिटी अब यहाँ से बनेगी दोस्तों, आपको बगल में एक टैब यहाँ दिख रहा होगा ऐड, ठीक है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा एक्सपोर्ट। जब भी आप यहाँ मॉड्यूल इंस्टॉल करके इनेबल कर लोगे व्यू वाला, तो आपको यहाँ पर मिलेगा डेटा एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हम इस पर करते हैं डेटा एक्सपोर्ट, ठीक है। अब डेटा एक्सपोर्ट यहाँ पर आया, तो डेटा एक्सपोर्ट हम यहाँ इसमें इसको CSV में करते हैं, तो हम CSV और हमने यहाँ पर
फॉर्मेट अगर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है तो जो भी आपकी फॉर्मेट है उसमें आप सेव करना चाहें, CSV, XML, कुछ भी ये यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें भी CSV चाहिए तो हम CSV रखेंगे और यहाँ पर उसकी सेटिंग्स है। ठीक है, ये सेटिंग्स में आप प्रोवाइड एज ए फाइल कर दीजिए और फाइल का नाम जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, बाकी सब यूज़ कर सकते हैं आप। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए इसको डिफ़ॉल्ट रख के सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो यह है कि हम इसका अगर टाइटल रख दें CSV तो हमें पता चलेगा कि हम लोग किस फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पाथ सेट करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तभी ये व्यू आपका जो आपने बनाया वो सेव होगा। तो इसमें लिख देते हैं XPOT पोर्ट, ठीक है, CSV, ठीक है, ये आपका URL हो जाएगा सेव। यहाँ आपको आपको अटैच करना पड़ेगा अटैच टू पेज, ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। उसके बाद बैच एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर ये फंक्शनलिटी दी है आपको कि अब अगर आपके पास नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ नीचे एग्जांपल में लिखा है कि लार्ज एक्सपोर्ट सेट्स 1000+, तो अगर 1000 से ज़्यादा रिकॉर्ड है तो आप उसको बैच में कर सकते हैं कि जैसे एक हुआ बैच, तो उसमें 1000 रिकॉर्ड आपका आया, फिर दूसरा आया 1000, फिर आया, फिर 1000 आया। तो अभी हमारे पास इतने रिकॉर्ड तो है नहीं, तो हम पहले ही ऑप्शन सेट करेंगे। अगर आपके पास रिकॉर्ड ज़्यादा है तो सिक्योर रिकमेंडेशन है कि आपको ये यूज़ करना चाहिए, और इससे क्या है कि डेटा आपका लॉस होने का चांस, मतलब एक्सपोर्ट आपका सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो आप हम यहाँ पर पहले ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप परमिशन दे सकते हैं कि किस को डेटा एक्सपोर्ट करने की परमिशन है। ठीक है, ये परमिशन ऑलरेडी है, तो यूज़र वहाँ से आप यूज़र को देना चाहते हैं या किसी रोल को देना चाहते हैं वो भी आप सेटिंग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए ये CSV का फॉर्मेट भी बन गया पूरा। ठीक है, अब हम लोग इसको सेव करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने व्यू में, तो हमने व्यू बनाया था एक्सपोर्ट एग्जांपल ऑफ CSV। ठीक है, तो ये इस तरीके का पूरा हमने फील्ड सेलेक्ट की थी, टाइटल, बॉडी, पोस्ट, डेट और ये वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपको मिल रहा है CSV का, अब इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी CSV हो गई डाउनलोड। अब इसको खोल के देखते हैं। ठीक है, ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 रिकॉर्ड आए हैं, 11 नहीं है 10 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है कि जो भी आपका रिकॉर्ड यहाँ आ रहा है वो एक पेज पे 10 रिकॉर्ड, जैसे कि हमने यहाँ सेट कर रखा है एक पेज पे हमारा 10 रिकॉर्ड आएगा। तो इसको आपको यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने डेटा एक्सपोर्ट का CSV बनाया है वहाँ पर जाइए, डिस्प्ले आइटम ऑल कीजिए, ऑफसेट 0 कीजिए, सेव कीजिए। ठीक है, और फिर देखिए ठीक है इस पेज पे 10 रिकॉर्ड है क्योंकि हमारा जो व्यू बना था उसमें 10 ही रिकॉर्ड है। ठीक है, अब जो हम लोग डाउनलोड करेंगे तो रिकॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, देखिए ये हो गया डाउनलोड। अब हम लोग इस यहाँ पर इसको देखते हैं ओके करके कितना रिकॉर्ड है हमारे पास। तो ये है दूसरी फाइल, ठीक है, वो पहली थी, तो ये देखिए दूसरी रिकॉर्ड, तो ये हो गया हमारा पूरा 203 रिकॉर्ड जो हमारे पास जितने भी हमारे पास आर्टिकल थे, और उसके बाकायदा पूरे जो भी हमने पोस्ट डेट ली थी और पाथ लिया था, NID लिया था, वो सब यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से पोस्ट डेट, NID, पाथ, ठीक है, बॉडी। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो कि कैसे हम एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी यूज़ करें अपने Drupal के प्रोजेक्ट पे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।